Cool, cool. Cry. Cry, cry, Miyanka. No sobbing. No sobbing. बस सोने दीजिए सर, घाटे तो है बच्चा। तू ठीक तो है ना हमारी छोटी? ना गाड़ो बेटा, उस इंसान के लिए केयर होना जो थारी इज्जत ना बिल्कुल नहीं रो करे। तू तो हमारी बहादुर बच्ची है ना, बिल्कुल नहीं रो पर लाडो। मुझे ये बता कि ये सब हुआ कैसे? ये रूहान कौन है, कठे से आया है, के करना चाहता है, थारी जिंदगी के पीछे क्यों पड़ा है? तने के बताऊं लाडो, अयान जी ने थारे और रूहान के बारे में इतनी गंदी गंदी बातें की कोई बाप कभी ना सुन सके। उधर से आन ने बोला, मुझे फालतू पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। भरोसा है लाडो, तभी तो आया। अरे इतरपुर से मैं ये सोच के निकला था कि कोई छोटी मोटी बात हुई होगी जो मियां बीवी में होती रहे, मिलकर बैठकर सुलझा लेंगे। पर अठे आकर आयान जी के ऐसे तेवर देखे कि मैंने अपनी छोरी का हाथ किस गलत इंसान के हाथ में दे दिया, और आयान जी का असली चेहरा देख लिया। और मैंने ये भी पता चल गया कि थारे सासरे में थारा कोई अपना था ही नहीं। क्या हुआ? आप धुने इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? देख रहे आयान ने उसे बोला, उस बेचारी को तो पता भी नहीं था कि उसके साथ हो क्या रहा है। वो सही कह रही थी बाबा, उसने कुछ नहीं किया है। लाडो तू ये रूहान के घर कैसे पहुंच गई? अबू साहब, मेरे को ठीक से तो कुछ याद नहीं, बस इतना जानू कि उस दिन उन लड़कियों ने ना मेरी शरबत में कुछ मिला दिया था, उसके बाद मैं बेहोश हो गई, और जब मारे को होश आया तो मैं सुहान के घर पर ही थी। उसके बीच क्या हुआ मारे को कुछ याद ना है बापू। शिफ्ट शिफ्ट